हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है, व्यापम करेगी 10,000 भर्तियां। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, आरक्षण की वजह से सभी भर्तियां लटकी पड़ी हुई है। अब व्यापम 10,000 पदों पर भर्ती नए साल में करने वाली है। बम्पर भर्ती व्यापम के माध्यम से होने वाली है। साथियों, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर ये जो भर्तियां हैं वो होने वाली है। थोक के भाव में होना है भर्ती, तो बिल्कुल 10वीं 12वीं पास जो हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा की योग्यता ही मांगी जाती है। ठीक है, देखिए, व्यापम से होगी परीक्षा, चिकित्सा शिक्षा देगा प्रस्ताव, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के होंगे 1,000 से भी ज्यादा पद। जी हाँ साथियों, मेडिकल, डेंटल, गवर्नमेंट, नर्सिंग कॉलेज के लिए नए साल में होगी बम्पर भर्तियां। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद है साथियों 10वीं और 12वीं पास युवा बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर आने वाला है। राज्य के शासकीय मेडिकल और डेंटल कॉलेज में डीकेएस पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में नए साल में बम्पर भर्तियां होंगी। इसमें चपरासी से लेकर स्टेनोग्राफर तक के पद शामिल है। साथियों, इसके लिए व्यापम से भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय इसके लिए व्यापम को प्रस्ताव भेज रहा है। 1,000 से ज्यादा पदों के लिए यह भर्ती होगी, परीक्षा होगी। देखो, बड़ी भर्तियां होने वाली है, अलग अलग विभागों में 10,000 से भी ज्यादा पद आने वाले हैं। कुछ महीने पहले ही राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में अधीनस्थ संस्थानों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को भर्ती करने के लिए अनुमति दे दी थी। इसके बाद ही सभी संस्थान अपने अपने स्तर पर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। एक जैसे पदों के लिए अलग अलग नियम और एकरूपता नहीं होने से भर्ती प्रक्रिया पर विवाद होने के बाद ही तय किया गया कि व्यापम में परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, सामान्य तौर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए इंटरव्यू नहीं होते, इसलिए माना जा रहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, डीकेएस पोस्ट ग्रेजुएट, एक देखिए सभी में सिर्फ एक ही परीक्षा होगी, है ना। जरूरत पड़ने पर स्टेनोग्राफर या अन्य कुछ पदों के लिए तकनीकी पोस्ट के लिए कौशल परीक्षा आयोजित की जा सकती है। ठीक है, इस महीने की आखिरी तक जारी होगी सूचना। तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए जो नोटिफिकेशन है साथियों, इसी महीने के अंत तक जारी होंगे। भर्ती नए साल में होगी। जानकारों का कहना है कि अभी आरक्षण को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई, इसलिए भर्ती श्रेणीवार पदों की संख्या जारी न कर। देखो, इसमें जो है आरक्षण की वजह से जो समस्या आ रही है, ठीक है, इसलिए व्यापम उसको अलग अलग श्रेणीवार पद न बता करके केवल नोटिफिकेशन जारी करेगा और उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया रखी जाएगी, जैसा कि आप CGPSC के माध्यम से हो रहा है। ठीक है ना, तो बिल्कुल अब बहुत ही अच्छा अवसर आने वाला है, क्योंकि बिना आरक्षण रोस्टर के कहना जीरो आरक्षण है ना भाई, जीरो आरक्षण रोस्टर के साथ अब छत्तीसगढ़ में भर्तियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। ये तमाम जो भर्तियां हैं व्यापम के माध्यम से होने वाला है साथियों। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें, सीजी जॉब एजुकेशन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पल पल की जो अपडेट्स हैं हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जय हिंद।